मारी, चार पांच छह दस ग्यारह बारह चौदह लाठियां मारी। परिणाम क्या हुआ? लाला जी के सिर से खून ही खून निकलने लगा। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर लाठियां मारकर जिस अंग्रेज ने उनकी हत्या की, उसका नाम था सैंडर्स। उस अंग्रेज अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत के एक दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने पुलिस में दरखास्त की, अपील की। उनकी दरखास्त पर पुलिस ने एक्शन लिया। बाद में अदालत में यह मामला गया और अदालत ने यह कहकर सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया कि लाला जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, उसमें सैंडर्स की कोई गलती नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने बहस की इस विषय में, तो उनका तर्क यह था कि लाठी मारने का नियम है कि कमर के नीचे के हिस्से में लाठी मारी जाती है, सिर पर लाठी नहीं मार सकते आप। लेकिन लाला जी के सिर पर लाठी मारी गई। शहीद आजम भगत सिंह के इस तर्क को अंग्रेजों ने माना नहीं और अंत में फैसला यह हुआ कि इंडियन पुलिस एक्ट कानून के हिसाब से सैंडर्स को यह अधिकार था कि वो लाला जी को लाठियों से पीटे। अब लाला जी की इसमें मृत्यु हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस व्यक्त कर सकते। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, तो भगत सिंह को गुस्सा आया और भगत सिंह ने यह संकल्प लिया कि लाला जी की हत्यारे सैंडर्स को अंग्रेजों की प्रशासन ने, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने दंड नहीं दिया है, मैं संकल्प करता हूं कि सैंडर्स को मैं दंड दूंगा और इसको वहां पहुंचाऊंगा जहां इसने लाला जी को पहुंचाया। और आप जानते हैं, अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा था और अंत में सैंडर्स को गोली से मारकर भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उसके काफी दिन पहले वो लाहौर की जेल में बंद हुए थे और उनसे बहुत लोग मिलने जाते थे। अमृतसर के एक पत्रकार महोदय उनसे कभी मिलने गए, भगत सिंह को पूछा कि आपके दिल की इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चढ़ रहा हूं, देश के लिए शहीद हो रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं भारत के नौजवानों से एक ही अपील करना चाहता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी कानून के चलते लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, उस इंडियन पुलिस एक्ट कानून को भारत के नागरिक और नौजवान आजादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले खत्म करा देंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है, कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है। कई बार मैंने टेलीविजन पर मेरी आंखों से देखा है कि किसान पानी के लिए कोई अपना जुलूस कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और किसान उसमें मारे जाते हैं। अपनी जमीन को बचाने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, किसान उसमें मारे जाते हैं। पीने का पानी मांगना कोई जुर्म है क्या? अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करना कोई जुर्म है क्या? कोई अपराध है क्या जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी सजा देती है कि किसानों को गोलियों से मार देती है, लाठियां मार मार के उनको लूलुहान कर देती है? अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली में गन्ने का भाव किसानों को उचित मिलना चाहिए, क्योंकि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। चीनी अभी 40 रुपए किलो बिक रही है, 13 रुपए किलो की चीनी 40 रुपए किलो हो गई, तो किसानों ने कहा कि हमारा 125 रुपए क्विंटल का गन्ना 280 रुपए क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठियां मार मार के किसानों की कमर तोड़ दी, उनके हाथ पैर तोड़ दी। पता नहीं कितने किसानों को हड्डियां टूटी हैं, कितनों को प्लास्टर चढ़े। ऐसा हमेशा होता रहता है,
कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था, और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। आप सब बिहार के नागरिक हैं, आपके पड़ोस में बंगाल नाम का एक राज्य है। बंगाल में एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम। नंदीग्राम की कहानी आप सबको मालूम है, जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचने वाली वहां की सरकार के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा खोला था। बंगाल की पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई थी कि बीसियों किसान नंदीग्राम में एक दिन में मार डाले उन्होंने। और जिन किसानों की पत्नियों, बहनों और बेटियों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल की पुलिस ने उनके ऊपर इतनी बर्बरता ढाई कि माताओं, बहनों, बेटियों से बलात्कार किए उन्होंने। नंदीग्राम की रिपोर्ट सारे देश को शर्म से डुबो देने के लिए काफी है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां, बहन, बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है? कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए? मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी, आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए।